शिव शंभु शरणं मम, 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 शिव शंभु शरणं शिव शंभु शरणं मम, शिव शंभु शरणं मम, शिव शंभु शरणं मम, शिव शंभु शरणं मम, गांधर्व की नरदेव बोले शिव शंभु शरणं मम, हरि ब्रह्मा स्वयमेव बोले शिव शंभु शरणं मम, बोलो सती श्री दक्ष दुलारी बोले शिव शंभु शरणं मम, उमा हिमाद्रि कुमारी बोले शिव शंभु शरणं मम, गणनाथ बोले शिव शंभु शरणं मम, भूत प्रेत सौ साथ बोले शिव शंभु शरणं मम, ए नंदी शिव गणवीर बोले शिव शंभु शरणं मम, मान सरोवर नीर बोले शिव शंभु शरणं मम, ए डोके शेष भुजंग बोले शिव शंभु शरणं मम, सिर पर गंग तरंग बोले शिव शंभु शरणं मम, शिखर कैलास बोले शिव शंभु शरणं मम, धरती ने आकाश बोले शिव शंभु शरणं मम, हे जोगी अड़ा गजतीन्द्र बोले शिव शंभु शरणं मम, नारद शारद इंद्र बोले शिव शंभु शरणं मम, ओ अष्टकुल पाड़ थाग बोले शिव शंभु शरणं मम, नवकुल मणिधर नाग बोले शिव शंभु शरणं मम, दैत्यलोकना दानव बोले शिव शंभु शरणं मम, मृत्युलोकना मानव बोले शिव शंभु शरणं मम, बोलो ये वाह मानव महरामण बोले शिव शंभु शरणं मम, मुक्त सिद्ध ऋषि मुनि गण बोले शिव शंभु शरणं मम, भले भले ये साधु संत विरक्तो बोले शिव शंभु शरणं मम, भोलानाथ ना भक्तो बोले शिव शंभु शरणं मम, देवनी क्षण क्षण बोले शिव शंभु शरणं मम, धरती केरा कण कण बोले शिव शंभु शरणं मम, ओ नव साल बोले शिव शंभु शरणम मम। सात सात पाताल बोले शिव शंभु शरणम मम। बोलो ओ मंगल दीप जगारा बोले शिव शंभु शरणम मम। नौबत शंख नगारा बोले शिव शंभु शरणम मम। ओ मंजीरा करताला बोले शिव शंभु शरणम मम। जालर ने घड़ियाला बोले शिव शंभु शरणम मम। चित्ररंग रोगान बोले शिव शंभु शरणम मम। मंदिर नो चौगान बोले शिव शंभु शरणम मम। आ नील गगन नु छत्र बोले शिव शंभु शरणम मम। ग्रह तारा नक्षत्र बोले शिव शंभु शरणम मम। भूकंप करुड़ाट बोले शिव शंभु शरणम मम। इंद्र में गहरुड़ाट बोले शिव शंभु शरणम। एक करेण फूलक लत्र बोले शिव शंभु शरणम मम। एक एक बिली पत्र बोले शिव शंभु शरणम मम। शिवलिंग पर जलधारी बोले शिव शंभु शरणम मम। शिवजी नो पुजारी बोले शिव शंभु शरणम मम। ये सिंगी ने नागांबर बोले शिव शंभु शरणम मम। चाखड़ युवा घांबर बोले शिव शंभु शरणम मम। शिव त्रिशूल ने सांग बोले शिव शंभु शरणम मम। भस्म धतूरो भांग बोले शिव शंभु शरणम मम। ये आड बंद भद्राक्ष बोले शिव शंभु शरणम मम। एक मुखी रुद्राक्ष बोले शिव शंभु शरणम मम। राम बोले रावण बोले शिव शंभु शरणम मम। बचू श्रीमाली ब्राह्मण बोले शिव शंभु शरणम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। हे शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम बोलो शिव शंभु शरणम मम। 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 हे शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम मम। शिव शंभु शरणम। अद्भुत स्तुति अने धून जेणे शिवरात्रिनुं वातावरण होय एवं रूडुं वातावरण दिसतुं हतुं। पण गुर्जरी धरा माथे अपनी गुजरातनी भूमिकाना माथे विचार करजो मित्रों। भगवान जन्मे मथुरानी जेल में, गोकुल में उछरे पाछो मथुरानो राजा बने, पण जन्म न्या लीधो। पण सौराष्ट्रनी गुजरातनी ताकत ई हती के हे कालिया ठाकर काठियावाड़ में कोकदीक भूलो पड़ी भगवान, तू थाने मारो मेहमान, तने स्वर्गे भुलाऊं शामला। ए मारा नाथ तू न्यारे ई अमने गमे नहीं। अने कृष्ण ने छेक गुजरात नो प्रेम द्वारिका ना फादर सुधी ली आव्यो, पछी आपणे कृष्ण ने जावा नथी दीधो बापो। एने छेल्लो विहामोय वेरावल ने पादर लेवो पड्यो। पण वात बहु मजानी छे। कृष्ण द्वारिकानु मंदिर जे छे ने एने जगत मंदिर कही छे। कृष्ण कोई दी पकड़ाना नथी हो। कृष्ण ने समझवा बहु कठिन। कृष्ण छे ने राम ने कृष्ण में आज फेर। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम छे, पण कृष्णना तो खंभे हाथ मूकीने कालियो ठाकर एम बोली शकाय। कृष्ण ने तुकारो दई शकाय। तमे विचार करो मित्रों, सुदामो ठेठ द्वारिकाना पादर मळवा माटे गयो हशे अने तेदी जगत आखानो नाथ एम कहवाय कि डोट मूकी हालो जई द्वारिका, जहाँ महाधर्मनु धाम। जाता भेटिए जादवोन, वळता रावल जाम। ई जगत आखानो नाथ दौड़ीन एम कहवाय के ई द्रौपदीनो वीर भगवान कालियो ठाकर दौड़ी अने ई सुदामाने मळ्यो हशे। ई मळ्यो। रामनी पासे जावुं होय तो बहु मर्यादानी जरूर पड़े, पण कालियो ठाकर कोई दी पकड़ाणानो दाखलो ज नथी। माँ यशोदाए एकवार पूछेलुं, काना देवकी गोरा, नंद गोरा, वसुदेव गोरा, हूँ गोरी, राधा गोरी, आ बधा गोरा अन तू कालो केम? कृष्ण काला छे। पण जवाब बहुत सारो आप्यो माने के माँ तारी बात बहुत साची। नंद गोरा, वसुदेव गोरा, देवकी गोरा, यशोदा गोरा अने राधा गोरी, बधाई गोरा, हूँ कालो। तो माँ सांभळ, कंसनी अंधारी जेल होय, कंसनी अंधारी जेलनी कोटडीनी अंदर माँ अर्धी राते जन्मो। ई जेलनी कोटडी काली। जन्मो ई वखते माँ श्रावण वद आठमनी घोर अंधारी रात हती। ई रात काली। इथी आगळ वधु माँ तो अर्धी राते जेदी जन्मो ने तेदी माँ देवकीना हृदयमां रियलो कंसनो कोप काळो। जन्मता वेत बाप अंधार पछेड़ो ओढी हुंडलामां नाखीने हाली निकळ्या। तेदी हुंडलो काळो, माथे ओढेलो अंधार पछेड़ो काळो। अने जेवा जेलनी बहार निकळ्या ता तो बारे मेघ खांगा थियेला। अडूड 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 जेदी मेघ आटकता होय तेदी माँ ई मेघ काळो। यमुनाना नीर होहरा जेदी निकळ्या वसुदेव तेदी ई यमुना काली, माथे मेघ कालो। वरसाद थी बचवा माटे थई शेष नागे आवीने फेण धरी तो माँ ई शेष पण कालो। तारा खोळामां आवीने बाप वसुदेव मूकीने वया गया। तई ते ओढेली ई कामळी काली, आराधानी आँख काली, एनी आँखमां आंजेलुं आंजण काळुं। माँ आटली काळप भेळी थईने एटले हूँ काळो थयो। एक साथे आटली काळप भेळी थईने एटलो काळो थयो। एटले काळिया ठाकरने मापवो बहु कठिन। एने ज्यां जरूर पड़े त्यां मार्ग काढ्या छे। ई बरोबर कुरुक्षेत्रना मैदानमां ई जेदी एम कहेवाय के आमथी कौरवोनी सेना अने आमथी पांडवोनी सेना जाणे जूनागढ़ अने शत्रुंजो डूंगर बे हाम हामे भटकाड़ता होय ने एवुं भयानक युद्धनुं ठाणुं 9मा दिवसनुं प्रभात उग्युं हशे। पण धन ध्रुवजी धरा अडरदत यूछल्यो कलर ब्रह्मांडना हुआ कटका। गण गोलतना घोर बाजन जान हड़जा हाडना अमर खड़का। ई भयानक धींगाणानी अंदर जेदी अर्जुननी हामे भीष्म पितामह आम रथ लई अने आवता होय अने भीष्म आज कोपायमान थया छे। एटला कोपायमान थया छे भीष्मनी बाणनी वर्षा एटली बधी थाय छे। कोई आळवीतरा छोकराए पाणो लईने मधपुडा माथे मार्यो होय अने मधमाखियूं बड़बड़े ने एटला अर्जुनना रथ माथे भगवान भीष्मना बाण बड़बड़ता हता। भगवान कृष्ण गांगा बनी गया। रथ ने आम लई जाए युद्धना मैदान में रथ आम दौड़ावे अने कृष्ण गांगा बनी गया। आज जाऊं क्या? आज आ डोहो डाट वाले, आज आ डोहो डाट वाले आज भूका काढ़ी नाखे। आज अर्जुन ने जीववा न दिए। अने एटला कोपायमान थयेला भीष्म भयंकर बाण भयो अर्जुन मन भंगी। करत धनुष टंकार तजत नहीं चाप निखंगी। अर्जुनना गांडीवनी धनुषनी परछ नोती चढ़ावा दीधी। एटला बाण भीष्मना एम कहेवाय के धनुषमांथी छूटता था। पण एक बाण जे आव्युं એમ કહેવાય છે કે એક બાણ જ્યાં ભીષ્મનું આવ્યું અને રથ ભાંગ્યો, અર્જુન પડ્યો, ભગવાન ઠેકડો મારી હેઠા ઉતરી ગયા અને ભીષ્મ પિતામહે આમ નજર કરી યુદ્ધના મેદાનમાં અર્જુનને પડેલો જોયો ને એમ થયું કે આજ મોકો છે. હાથમાં ફરસું લઈ અને ગડગડતી દોટ મૂકી, જેણે મહિષાસુરને મારવા માટે માએ દોટ મૂકી હોય ને એમ તેથી ભીષ્મ દોટ મૂકી અને અર્જુનના ભણી દોટ મૂકી. ત્યાં તો જગત આખાનો પાલનહાર, દુનિયા આખીને આંગળીના ટેરવે જીવાડનાર એ ભગવાન કાળિયા ઠાકરને ફિકર થઈ, કારણ કે ભગત આધીન ભૂદરો હે બાપ, ભક્તના માટે થઈ અને ભગવાને વિચાર કર્યો કે જો આજ ભીષ્મના હાથમાંથી ફરસું છૂટે તો અર્જુન હણાઈ જાય, અને જો અર્જુન હણાય તો પછી એના જેના રથની લગામ કૃષ્ણના હાથમાં હોય એને કોઈ દી કૃષ્ણ હણવા ન દે. યુદ્ધના મેદાનમાં નજર કરી કાંઈ ન દેખાણું, એક ભાંગેલા રથનું પૈડું પડ્યું હતું, પણ પૈડા ભણી દોટ મૂકી અને જ્યાં આંગળીમાં ચડાવ્યું ત્યાં તો ચકાર 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 ચકાર, જાણે સુદર્શન ચક્ર ફરતું હોય એમ ચક્ર મંડ્યું ફરવા અને ભીષ્મને મંડ્યો પરસેવો વળવા. એમ થયું કે આજ જો કૃષ્ણના હાથમાંથી ચક્ર છૂટે તો એક ભીષ્મ નહીં 14 બ્રહ્માંડનો નાશ કરી નાખે. અને જગતના ઉદ્ધાર માટે થઈ અને ભીષ્મ પિતામહે હાથમાંથી હથિયાર હેઠા મૂકી કાળિયા ઠાકરને વંદન કરીને એટલું કીધું કે હે મારા નાથ, એ ગીતાના ગાનાર, એ જગત આખાને સત્યનું પાન કરાવનાર ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા, કાળા માથાનો માનવી તો બોલીને ફરી જાય બાપ, પણ તમે તો જગત આખાના નાથ છો. તમે જેદી બોલીને ફરી જશો ને બાપ તેદી જગત વચનની કિંમતને નહીં સમજે હો. તમે વચન આપી, કારણ તમે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે યુદ્ધના મેદાનમાં હથિયાર નહીં ઉપાડું. દુર્યોધનને કીધું હતું કે હે દુર્યોધન, એક બાજુ મારી આખી યાદવી સેના 56 કોટી અને એક બાજુ હું નિહત છો હાથમાં હથિયાર વગરનો કૃષ્ણ. અને તેદી વચન આપી અને મારા નાથ વચન સુનેરી ઝાલરી બેહદ ઘડી સુનાર ઠેર ઠેર ચિત રાખ કે મત પાની મેં ડાર, મત પાની મેં ડાર ગઈ સો યાથન જાવે પડે ખલક કે પાસ આપકો માન ગુમાવે કથેશ કવિયા કાન અબ नहीं लाज हुनेरी अरे मत पानी में डार झालरी बचन सुनेरी. हे मारा नाथ, वचन आपीन फरी गया तो वचन नु कोई पालन नहीं करे. पर कृष्ण पकड़ाई नहीं हो, मरक 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 युद्धना मैदान में दांत काढ्या भीष्मनी सामे જોઈ અને એટલું બોલ્યા કે દાદા હું કોઈ દી ખોટું બોલતો જ નથી, હજારો વાર બોલ્યા છો, ભૂકા કાઢી નાખ્યા છે. તોય ભગવાન કહેવાના વાત નોખી છે, કૃષ્ણને માપી ન શકાય. હા, ભગવાન શિવની પાસે કદાચ તપ કરતા હોય ને રુદ્રાય નમઃ રુદ્રાય નમઃ ઓ રુદ્રાય નમઃ રુદ્રાય નમઃ રુદ્રાય નમઃ રુદ્રાય નમઃ એક તાર લાગી જાય અને કદાચ શિવ વરદાન આપે ને તો એમાં બ્રહ્માએ ચલાયમાન ન કરી શકે, એમાં બ્રહ્માએ વિક્ષેપ ન કરી શકે, વિષ્ણુએ વિક્ષેપ ન કરી શકે. પણ હા, વિષ્ણુ ભગવાનનું ભજન કરતા હોય, કૃષ્ણનું ભજન કરતા હોય તો તથાસ્તુ કહીને ટાળી દે. આ તથાસ્તુ વચન આપે પણ માર્ગ કાઢે, અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉપર નહીં, નીચે નહીં, લોઢું નહીં, લાકડું નહીં, નર નહીં, નારી નહીં, પશુ નહીં, પંખી નહીં, કીટ નહીં, કીટાણુ નહીં, સજીવ નહીં, નિર્જીવ નહીં. અને એવાના હાથે મારું મોત એવો લેખ કાગળ લખાવેલો. લેખ કાગળ લખ્યા તાત પ્રહલાદને કાળને જીતવા કલમ ટાંકી વર્ષના વર્ષ વિચાર કરીને લખ્યું. અને પછી માંગતા ન રહ્યું કાંઈ બાકી, પણ દેવ સૌ પાળતા સહી વિરંચિતણી દેવનો દેવ જે જગત થાપે પણ રદ બિના કાગળો દેખ જેવી ગતિ ફેંસલો નાથ નરસિંહ આપે. એના ઘરે એક દીકરો થાય, હરણા કશ્યપના ઘરે એક દીકરો જન્મે, નામ પડે પ્રહલાદ. અને એક તાર લાગી જતો હોય, જેમ મોરકો ધ્યાન લગ્યો, ઘન ઘોરસા દીપક ધ્યાન પતંગ લગ્યો, પણ હારીકો ધ્યાન લગ્યો, મટકી રામ 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 રામ. અને હગો બાપ હરણા કશ્યપ થંભ ધખધખાવી પ્રહલાદને ઊભો રાખી અને તેથી એટલું કહેતો હોય કે તારો રામ આમાં છે. અને તેથી 5 વર્ષના પ્રહલાદે એટલું કીધું હશે કે હે પિતા હરણા કશ્યપ, કણ કણ મેં ભગવાન, અત્ર તત્ર સર્વત્ર જો મારા નાથનો વાસ હોય ને તો હે હરણા કશ્યપ, આ થાંભલાની અંદર પણ મારો રામ બિરાજે છે. તો ભર બાત હે બાત ભર. અને બાળક જેમ માને ભેટવા દોટ મૂકે ને એમ પ્રહલાદે થાંભલાને ભેટવા માટે દોટ મૂકી. અને જેવું થાંભલાને બથ ભરી તાતો કાઢ ડટ બ્રહ્માંડ જય શાહ કાઢ કાઢ યાડાટ યાડાટ દાત જાલ જોથલાય થર રર રર થમ ફટત થર ફર હર ભટ તટ યસુરાન પ્રગટ ગટ બંજન બિકટ દ્રૌપ નરસિંહ બને. ઈ થાંભલો ફાટી હિરણાકશ્યને મારવા માટે થઈ ભગવાન નરસિંહ રૂપે અવતાર ધારણ કર્યો. અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉંબરા વચ્ચે પછાડ્યો. આ રાત નહીં, દિવસ નહીં, સંધ્યાનું ટાણું मानव नर नहीं नारी नहीं पशु नहीं पंखी नहीं कीट नहीं कीटाणु नहीं अने नरसिंहनु रूप धारण कर्यु। लोढुई नहीं लाकड़ुई नहीं नख वधार्या सजीव नहीं निर्जीव नहीं। नख ने सजीव न कहवाय कापो तो पीड़ा न थाय, निर्जीव न कहवाय जेम कापो एम वधे। सजीव नहीं निर्जीव नहीं लीला नहीं हूका नहीं, लीला न गणाय कारण के बटकावो तो बटकी जाए। सुकाय न गणाय जेम वाळो एम वळे, लीलू नहीं सूकू नहीं लोढू नहीं लाकड़ू नहीं अने मारे वाले नख थी चीरी नाख्यो मार्ग काढे ने एनु नाम कृष्ण। गम्मे न्यायथी मारक काढी ले मरक मरक दांत काढ्या भीष्मनी सामे जोई अने एटलुं बोल्या के हे दादा हूँ कोई दी खोटू बोलतो ज नथी। तो के केम? मैं दुर्योधन ने कीधेलू के हे दुर्योधन जो एक बापनो होईश ने तो युद्धना मैदान में हथियार नहीं उपाड़ू। तो हूँ क्या एक बापनो छू, मारे तो बे बाप छे, एक नंद ने बीजा वसुदेव। खोटू बोलतो ज नथी। अने पछी हळवेक लईने एटलू पण कही दीधुं के भीष्म तमे प्रतिज्ञा करी थी ने के हूँ हाथ में हथियार उपड़ावीश तो मारा भक्तनी प्रतिज्ञा पाळवा माटे थई मारी 1000 प्रतिज्ञा तोड़वी पड़े ने बाप, तोय हूँ तोड़ी नाखू कारण के मारा भक्ते प्रतिज्ञा तोर मोर प्रतिज्ञा मैं तजी तोर प्रतिज्ञा काज। तारी प्रतिज्ञा पाळवा माटे मारी प्रतिज्ञा तोड़ी छे। युद्धनो विराम थयो पण वात एटले अटकती नथी मित्रो। तेदी दुर्योधननी पाहे दुर्योधन भीष्मनी पाहे आवीने एटलुं बोलेलो के दादा आज तमे अर्जुन ने हणी नाखत, आज तमे आ काळिया ठाकर ने हणी नाख्यो होत पण हे दादा तमे वेरो आंतरो राख्यो कारण के तमने अर्जुन वालो छे ने हूँ दवलो छूं। पण आटला वेण कीधा ने ता तो भीष्मनी आंखमां आहुडा आव्या के हे कपातर आखी जिंदगी तारी हारे रियो, आखी जिंदगी तारा सिंहासन ने वळगीने रियो अने हूँ सत्यनो पक्ष मूकी असत्यना पंथे चाल्यो। पण हे दुर्योधन ते आज मने ओळख्यो नहीं। हवे सांभळी ले 10मा दिवसनु प्रभात थशे। युद्धना मैदानमां बे जणा ऊभा हशे, एक अर्जुन अने बीजो भीष्म। अने हूँ गंगानो दीकरो भीष्म प्रतिज्ञा करूँ छूं के 10मा दिवसनी सांजे बेमांथी एक ज योद्धो जीवतो हशे, कां अर्जुन जीवतो हशे अने कां भीष्म जीवता हशे। आवी प्रतिज्ञा करीने ता तो पांडव पक्षमां होपो पड़ी गयो कारण भीष्म प्रतिज्ञा करे तो नक्की ज होय के अर्जुन न होय कारण के भीष्मनो वाळ खांडो करी शके नहीं। भीष्मनु एक रुवाडुं एम कहेवाय के खांडू अर्जुन करी न शके। अहींया त्राहीमाम थई गयुं, पांडव सेना एकदम गभराई गई पण भगवान कृष्णे मार्ग काढ्यो अने अर्जुनने एटलुं कीधुं के जीतवुं होय ने तो शिखंडीने आगळ करजे। मारे युद्धनुं वर्णन नथी करवुं कारण के महाभारतनो बहु विशाळ ग्रंथ छे पण वात न्या करूं छुं के 10मा दिवसे शिखंडीने आगळ लाव्या। भीष्मे हथियार मूकी दीधा अने जेवा हथियार भीष्मे मूक्या अने भगवाने मरकीने दांत काढीने अर्जुनने एटलुं कीधुं के चढ़ाय बाण पण के दादाना हाथमां हथियार नथी। भगवान के एटले तो तने कहूं छूं के हथियार चढ़ाव्यो। जो आ भीष्मना हाथमां हथियार होय तो तारी 70 पेढ़ीमां कोईनी ताकत नथी का दादाने हणी शके। आज एना हाथमां हथियार नथी एटले हणी शक। उपाड बाण पण के युद्धना नियम नेवे मुकाय ए पाप लागे मारा माथे पण बाण चढ़ावे एम करी तेदी एक नहीं बे नहीं पण गांडी माथे 16 बाण अर्जुने चढ़ाव्या पण काननी बोट सुधी का ठा 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 लाइन जाम खेचा अन 16 सर्पनी जीभ छूटे एम 16 बाण छूट्या। भीष्मना होहरा उतरी गया, भीष्म पड्या पण हिंदुस्ताननो एक जणे चमकतो सितारो पड्यो होय ने एम भीष्म पड्या। जणे हिंदुस्तानमां सूर्य अस्त थई गयो होय एम भीष्म पड्या। समग्र युद्धना मैदानमां वातावरण गंभीर बनी गयुं। आमथी पांडवो आव्या अने आमथी एम कहेवाय छे कौरवो आव्या। बाणनी सैयामांथी दादा भीष्म पड्या छे। मित्रो मारे आ वात करवी छे अने तेदी भीष्मनी आंखमां धीणा झीणा बे आहुंडाना बूंद छुपायेला। अर्जुने आहुंडा जोईने एटलुं कीधुं के दादा मृत्यु बहु वहमु लागे। राहब उठ कमानगर मुछ मरोड मरोय मरणो मर्दरो हक है रोनो हक न होय। क्षत्रियना दीकराने युद्धना मैदानमां मरी जावुं ने ई बहु वहमु नथी लागतुं बाप। वळी तमे तो कौरव कुळना अधिपति छो जेनो दीकरो अर्जुन होय, जेना पौत्र पांडव होय, जेना पौत्र कौरवो होय, ई बापने कोई दी मरवू वहमू न लागे। दादा मैं घणा बाण मार्या आपने, तमारा मोढामांथी झूटवी झूटवी कोळिया खाई जानारो हूँ, मने रौरव नरकनो अधिकारी करजो। पण दादा मृत्यु समये आंखमां आहुडा तमने शोभता नथी। दादा बोल्या नहीं कहीं। कृष्ण उभेला एनी सामे जोईने एटलुं कीधुं के हे कृष्ण मारा आंखना आहुडानी भाषाने अर्जुन न समझी शके। मारा आंखनी भाषा बाप तने एक प्रश्न करवो छे कृष्ण। कोई एक गुनो करे एने एक वार सजा होय, बे गुना करे एने बे वार सूळी होय, त्रण खून करे एने त्रण सूळीनी सजा न होय। गुना गमे एटला होय एनी सजा एक होय। तो हे काळिया ठाकर हूँ गंगानो दीकरो भीष्म मन वचन कर्मथी क्यारेय असत्यनुं पालन नथी कर्युं। तो हे कृष्ण जेनी मां गंगा होय घसे कटको जो घाट आवीने अहत्र तणो तो एना कुळमांय भूत न थाय भागीरथी। कदाच पंखीडू जो कागड़ा हाडकानी करच उपाड़ी अन गंगा माथे थी उतरे अन एनो पड़छायो पड़े तोय 70 पेढ़ीना पाप धोवाई जाए। ई गंगानो दीकरो हूँ भीष्म बाप। मारू एवं क्यूं पाप मने आमी गयु के एक नहीं बे नहीं आज 16-16 बाणनी सैया माथे मारे पड़वू पड़े बाप। मरक मरक दांत काढ़ता कृष्ण एटलू बोल्या के दादा मने पूछो छो तमारू क्यूं पाप ही। अरे दादा तमारा अंतर आत्मा ने खोजो कारण के बुराज देखन मैं गजा बुरा न मिली जा कोई। जो तन खोजा आपका तो मुझसे बुरा न कोई। तमारा कलेजा ने पूछो तमारू क्यूं पाप। भीष्म अंतर्मुखी थया छे हृदय में पाप देखाणु। अर्जुन सामे जोईने कीधुं के बेटे अर्जुन गांडीव छे भेळू तो के हाँ बापजी। केटला बाण मार्या 16 बीजा 16 चढ़ाय गांडीव माथे बीजा 16 बाण चढ़ाव कारण के मने मारू पाप याद आवी गयु। क्यूं पाप सांभळ बेटा जेदी कौरवोनी सभा होय आंधळो धृतराष्ट्र बैठो होय द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण शकुनी अने नीतिनो अवतार गणाता एवा विदुर बैठा होय। गंगानो दीकरो हूँ भीष्म बैठो होव अने कदाच एक मुठ्ठी मारे तो धरतीना गोळाने फोड़ी नाखे ने एटली ताकत धरावनारो भीम बैठो होय। तेदी बीजा कोईनी नहीं। महाराज कुळनी कुळवधू महाराज कुलनी आबरू द्रौपदी ने दुशासन चोटलो झालीन कौरवोनी सभा में लावतो होय। द्रौपदी हाय पुकारती होय हरि हो हरि हाय हरि मम क्यों मरी जननी तन में। ए मां मारी माना पेट में मारी नाखी होत ने तो मारे आज आ दृश्य न जोवू पड़त बाप। अन तेदी द्रौपदी नो पुकार धर जाता धर्म हणाता त्रियाई पड़नता ताव तीनू टाणा मरण रा कौन रंक कौन राव। ई द्रौपदी ना चोटला माथे दुशासन हाथ नाखतो होय। रजस्वल्ला धर्म में होय दुर्योधन जांग पछाड़तो होय शकुनी मर्मना वैण बोलतो होय अने कर्ण मर्म में मूछमा दांत काटतो होय। तेदी हूँ भीष्म पितामह येठू जोईने बेहरियो बाप मने आ पाप आंबी गयु। बीजा 16 बाण मार कारण के 32 बाणे मारी सजा पूरी नहीं थाय। पण आटला वेण हांभळ्या ने हवे छेल्ली वात सांभळी लो। द्रौपदी उभेली द्रौपदीए कीधुं दादा आ डापण तेदी क्या हिमालय में हाड गाळवा वही गयो तो बाप अटाणे सूजू मृत्यु नी पड़े तमने याद आव्यु के आ पाप हतु। तेदी जो एक वेण बोल्या होत ने दादा तो आज युद्धना मैदान में नरसंहार नो सर्जात। तेदी भीष्म एक वेण बोल्या होत तो कुरुक्षेत्रना मैदान में जे उल्का पात सर्जाणो ने बाप ई न सर्जात। तेदी मूंगा रिया ने हवे मरती वखते आवा लाळा नो चावो बाप। द्रौपदीए आडा हाथ करी अने द्रौपदी ने रोकी छे अर्जुने पण अर्जुनना सामे जोईने दादा एटलुं बोल्या बोलवा दे बाप। द्रौपदी ने बोलवानो अधिकार छे मारे एने जवाब आपवो छे अने भीष्मे जवाब आप्यो ने ई मारे ने तमारे सांभळवा जेवो। तेदी दादाए एटलुं कीधुं के बेटा तेदी हूँ नहोतो बोली शक्यो एनुं कारण एटलुं हतुं के तेदी मारा शरीरमां जे लोय हतुं ने ई दुर्योधनना पापी अनाजना रोटलामांथी बनेलुं लोय हतुं। ई मने साचुं बोलवा न दे बेटा पण आज आ पार्थे एटला बाण मार्या छे के मारा शरीरनी एक एक नस टीपे टीपू लोई दुर्योधनना पापी अनाजनू निकली गयुं छे। आज बोले छे ई दुर्योधनना पापी अनाजनू लोई नथी बोलतु। आज बोले छे ई मारी मां गंगानू धावण बोले छे। आज मारी मां गंगानु धावण बोले छे, एक बाजू धर्म हतो अन बीजी बाजू रोटलो, माटे ज खेंची शक्यो तो दुशासन द्रौपदीनो चोटलो। सत्य बात ई छे मित्रों, ज्यारे छेल्ली घड़ी आवे ने बाप, त्यारे ज माणसने पाप याद आवे छे। पण क्यारे जो पहला भजन करी लीधुं होय, पहला जो समझी लीधुं होय, पहला जेने नाम लई लीधा होय ने, तो एना काम थाय। पछी सुदामाने पाप पुकारवानी जरूर नथी पड़ती। पाप पुकारवानी जरूर तमे विचार करो, मीराने नहीं पड़ी पाप पुकारवानी जरूर। कदाच कर्या होय तो जाडेजो भले पुकारे, तारी दे नारी, पण तारवा माटे नारीने आववुं पड़े। पण ई भजन जो थाय अंतरना नादथी, कारण अमारो कवि एम कहे के साद करंता नाम सुणी पशुए करंत पियार, लागा नाद ले अंतड़ा क्यों न मये कीर्तार। जो अंतरना नादथी हाद पाड़ीने तो मारा नाथने मीरानुं झेर पीवा आववुं पड़तुं होय, नरसिंह महेताने हाथों हाथ हार देवा आवुं पड़तुं होय। अने कोघाना एक दासी जीवनना माटे थईने गोंडलनी जेलमां जो मारा नाथने आवुं पड़तुं होय। बाप माटे भजन कर प्यार भाव से प्यारे, जो भावथी भक्ति करो पताल में प्रगट होय आकाश, दाबी दूबी ना रहे ज्यों कस्तूरी की बास। एवो जेमनो स्वर छे हेमंत भाई चौहान।